हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक सवाल के बारे में है जो कि हमसे बहुत फ्रिक्वेंटली इस प्रैक्टिस के दौरान स्टूडेंट से लेकर पेशेंट तक और आम लोग तक पूछते हैं कि वाई वी सफ़र फ्रॉम कॉमन कफ एंड कोल्ड ड्यूरिंग ईच वेदर चेंज। मतलब हर बार जब भी मौसम बदलता है, कि कोई भी ऋतु परिवर्तन होता है, कि अगर हम विंटर से समर में जा रहे हैं या फिर हम समर से रेनी सीज़न में जा रहे हैं या हम रेनी सीज़न से ऑटम ऑटम मतलब ऑटम या फिर उसको ऑटम ना बोल के स्प्रिंग सीज़न भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम एक वेदर चेंज के अंदर एंटर होते हैं तो हम में से ज़्यादातर लोगों के अंदर कॉमन कफ एंड कोल्ड की शिकायत आती है, ठीक है ना। इसको हम अपनी मतलब डॉक्टरी की भाषा में ये भी कह सकते हैं कि वेदर चेंज हो रहा है तो भाई अब सीज़न बढ़ेगा, सीज़न बढ़ गया, सीज़न कैसा चल रहा है, सीज़न बहुत अच्छा चल रहा है। क्यों अच्छा चल रहा है? क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम द कॉमन कफ एंड कोल्ड। तो आज का जो वीडियो है वो इसी बारे में है कि इसके होने का कारण क्या होता है। तो दोस्तों, इसका जो कारण है वो बड़ा सीधा सा है और उसको समझना बहुत कठिन नहीं है। आप समझिए कि हर एक सीज़न के अंदर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया परसिस्ट करता है। तो जब भी एक वेदर चेंज होता है तो जो पिछला बैक्टीरिया था जिसके लिए हम लोग इम्यून हो चुके थे, क्यों? क्योंकि जब वो सीज़न चेंज हुआ था तो हमको इन्फेक्शन हुआ था। वो इन्फेक्शन जनरली कॉमन कफ एंड कोल्ड के रूप में हो सकता है, या फिर अगर गर्मी आ रही है तो जनरली लोगों को लूज मोशंस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि गर्मी के मौसम के अंदर इंटेस्टिनल बैक्टीरियाज़ का ज़्यादा प्रकोप होता है। उसी तरह से गर्मी को अगर छोड़ दें तो जो बाकी जितने भी सीज़न हैं, जैसे रेनी सीज़न हो गया, कोल्ड वेदर हो गया, है ना, स्प्रिंग सीज़न हो गया, इसके अंदर जनरली रेस्पिरेटरी ट्रबल करने वाले बैक्टीरियाज पनपते हैं। तो अब आज की अगर हम बात करें कि भाई आज मेरी शरीर की, अब जैसे चल रहा है कि मान लीजिए अभी विंटर की शुरुआत है, अपन अभी राइट नाउ नवंबर एंड में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी मेरे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है वो मेरे पिछले सीज़न के बैक्टीरिया को लेकर है, और जब ये सीज़न के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया, एक वेदर के साथ कुछ बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं पर दूसरे नए बैक्टीरियाज और वायरस का प्रकोप बढ़ जाता है। तो अब मैं जो इम्यून था वो तो मैं पिछले सीज़न के बैक्टीरिया के लिए था, पर अब क्योंकि विंटर आ गया है तो विंटर के अंदर टोटल नई ब्रीड ऑफ वायरस एंड बैक्टीरियाज मेरे को इफेक्ट करने वाली है, जिनके लिए अभी मैं इम्यून नहीं हूँ। और यही कारण है कि जब भी ऋतु परिवर्तन होती है तो हमको इन्फेक्शन होता है उस नए बैक्टीरिया का, जो नई ब्रीड ऑफ बैक्टीरिया है वो हमको इन्फेक्ट करती है। और जब हम एक बार इन्फेक्ट होते हैं तभी हमारे अंदर उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया की एंटीबॉडीज बनती हैं, जिससे कि हम इस पूरे सीज़न के अंदर एक बार कॉमन कफ एंड कोल्ड या एक बार कोई भी लोकल इन्फेक्शन होने के बाद हम पूरे सीज़न के अंदर इम्यून हो जाते हैं। अब जैसे ही ये विंटर ख़त्म होगी और आएगा फरवरी मार्च का महीना, मतलब जो समर में, हम विंटर से सीधे समर में एंटर करते हैं, तो उस समर के अंदर जनरली कौन सी समस्याएं होती हैं लोगों को? डिहाइड्रेशन, लूज मोशंस, वोमिटिंग, डायरिया, कॉलेरा वगैरह वगैरह। तो तब जब बंदा विंटर को छोड़ के, क्योंकि अभी विंटर में वो सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया और वायरस से इम्यून है, पर जैसे ही समर आएगी तो ये सारे के सारा जो ब्रीड है, ये सारे बैक्टीरिया और वायरस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करते हैं, ये सब मर जाएंगे। और इनके मरने के बाद नई ब्रीड ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस आएगा जो जनरली इंटेस्टिनल इन्फेक्शन पैदा करती है। और इसलिए ज़्यादातर लोग समर की शुरुआत में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस से इफेक्ट होते हैं, पर वंस दे गॉट इफेक्टेड बाय देम और इन्फेक्टेड बाय देम तो उनके अंदर इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो जाती है फॉर द रेस्ट ऑफ द समर सीजन। और इसलिए हम देखते हैं कि वो पूरा समर सीजन एक बार इन्फेक्ट होने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग द वेदर चेंज, है ना, कि वेदर चेंज के अंदर क्यों हम इन्फेक्ट एक बार होते हैं और उसके बाद उस स्पेसिफिक वेदर में हम पूरे टाइम स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर आप मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।